हम लोग साथ में आज हम लोग याद करने जा रहे हैं कि मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को कैसे याद करें। जैसा कि टेंथ के एग्जाम पास ही आते जा रहे हैं तो बच्चे थोड़े डरे हुए हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट मैथ्स के पेपर में बहुत आता है, 12 मार्क्स का आता है, तो उसकी वजह से बच्चों को लगता है कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी मुश्किल है। लेकिन आज ट्रिग्नोमेट्री टेबल का हम लोग बहुत ही आसान सा तरीका याद करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद करने के लिए जो टीचर तरीका बताता है वो होता है कि साइन की याद कर लें, टैन की याद कर लें और कॉसेक की याद कर लें। साइन की उल्टी कॉस की हो जाती है, टैन की उल्टी कॉट की हो जाती है, कॉसेक की उल्टी सेक की हो जाती है। तो इसकी वजह से बच्चे ऐसा याद कर लेते हैं। लेकिन कुछ होते हैं उनको इसमें दिक्कत आती है क्योंकि वैल्यूज़ बहुत हैं और तो कहीं पर वैल्यूज़ ऊपर नीचे हो जाती हैं तो दिक्कत होती है। आज हम लोग आपको बहुत आसान सा तरीका बताने जा रहे हैं जिससे आप सिर्फ साइन की वैल्यू याद करके बाकी सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन की वैल्यू है 0, 1 बाई 2, 1 बाई रूट 2, रूट 3 बाई 2 एंड 1। अब इससे बाकी की वैल्यू निकालने का तरीका है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें और इसको समझें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो जल्दी से बना लेते हैं। यहाँ पर 0, 30, 45, 60, 90 यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा, यहाँ पर टैन थीटा, यहाँ पर कॉसेक थीटा, यहाँ पर सेक थीटा, यहाँ पर कॉट थीटा। अब साइन की वैल्यू बहुत जल्दी से लिख लेते हैं। 0, 1 बाई 2, 1 बाई रूट 2, रूट 3 बाई 2 एंड 1। अब कॉस की वैल्यू साइन की उल्टी होती है, तो 1 रूट 3 बाई 2, 1 बाई रूट 2, 1 बाई 2 एंड 0। अब टैन की वैल्यू के लिए, टैन की वैल्यू पे ही आप कहेंगे कि टैन की अब कैसे निकालें साइन की वैल्यू से, तो टैन के लिए होता है टैन इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देख रहे हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये थोड़ा सा आप अभी पढ़ेंगे ही तो उसमें आ जाएगा। तो इसकी हो जाएगी 0, इसकी हो जाएगी 1 बाई रूट 3 टैन थीटा। टैन की वैल्यू जैसे हमें टैन 0 की निकालनी है, टैन 0 तो साइन 0 की वैल्यू है 0 अपॉन कॉस 0 की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगी 0, सिंपल है। और वैसे ही 30 की निकालनी है, टैन 30 इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू है 1 बाई 2 और कॉस 30 की रूट 3 बाई 2, तो इसमें ये इक्वल टू 1 बाई रूट 3। सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीका है, आप देख सकते हैं और आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे लिख लेते हैं और आगे चलते हैं वीडियो में। अब कॉसेक के लिए देखिए, साइन कॉसेक होता है इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो बहुत सिंपल है कि साइन अगर कॉसेक 0 निकालना है तो इक्वल टू 1 अपॉन 0 कर दीजिए, 1 अपॉन साइन 0, तो ये हो जाएगा अपना इन्फिनिटी। फिर ऐसे ही आगे कर लेते हैं, जैसे साइन कॉसेक 30 निकालना है, कॉसेक 30 इक्वल टू 1 अपॉन साइन 30 इक्वल टू 1 अपॉन 1 बाई 2 इक्वल टू 2। बहुत सिंपल सा है, 2 रूट 2 रूट 2 बाई रूट 3 एंड 1। फिर इसका अपोजिट ये हो जाएगा, 1 2 बाई रूट 3 रूट 2 2 और इन्फिनिटी। फिर कॉट के लिए टैन की उल्टी लिख सकते हैं, टैन ये और ये। अब अगर आप इससे नहीं निकालना चाहते हैं, अब आप सेक की भी डबल क्रॉस करना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि सेक होता है सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा बस। और टैन के लिए होता है, कॉट के लिए होता है कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। बहुत सिंपल है, आप लोग देख लीजिए इसे और अच्छे से इसे नोट कर लीजिए। ये बहुत सिंपल तरीका है, इससे आसान तरीका आपको शायद ना ही मिले, इसीलिए इसे देख लें और इसे जरूर यूज करें पेपर में, क्योंकि 12 मार्क्स की क्वेश्चन आते ही हैं ट्रिग्नोमेट्री से।